ठीक है, अब हम करें रिवीजन के अंदर भी शॉर्ट रिवीजन, रिवीजन के अंदर भी शॉर्ट रिवीजन। तो हमने आज स्टार्ट किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ग्रीन हाउस इफेक्ट का हमने मीनिंग समझा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है, सन रेज का या हीट का अंदर और अंदर बाहर आ जाना, हमारे अर्थ के अंदर आना बाहर जाना। तो हमने एमसीक्यू हमने देख रखा था कि इससे क्या एमसीक्यू बन सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मीनिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मीनिंग पूछ सकते हैं आपसे, इसका मीनिंग क्या होता है, हीट का अंदर आना और बाहर जाना, हीट का अंदर जाना और बाहर जाना। लेकिन अगर हीट वहीं पर रह गई, हीट वहीं पर रह गई, हीट वहीं पर रह गई जिससे टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ग्लोबल वार्मिंग। उसको हम क्या बोल देंगे, ग्लोबल वार्मिंग। तो आपसे दो एमसीक्यू ये बन जाएंगे कि अगर हीट अंदर और बाहर जा रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन गैस अंदर ही रहेगी जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरी दुनिया का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, फिर हमने बोला था कि क्योंकि सर सनरेज अंदर आती है तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। एक हमने एमसीक्यू पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी तरह बिहेव करता है, बिहेव करता है सर, ये बेसिकली बिहेव करता है ग्रीन हाउस रूफ की तरह, ग्रीन हाउस रूफ की तरह। एक एमसीक्यू आपका ये बन सकता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बिहेव्स लाइक व्हाट, तो ग्रीन हाउस रूफ, ग्रीन हाउस रूफ। फिर हमने पढ़ा था अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, ये सनरेज ये हीट अंदर आए ना बाहर, ना तो अंदर आए ना बाहर जाए, तो अंदर जब अंदर नहीं आएगी तो अंदर सब कुछ जमा रहेगा, सब कुछ ठंड से जम जाएगा, सब कुछ ठंड से जम जाएगा और अर्थ हमारी कैसे हो जाएगी, अर्थ हमारी बिल्कुल वेस्ट लैंड हो जाएगी। कैसे लैंड हो जाएगी, फ्रोजन वेस्ट लैंड। ठीक है, फिर हमने बोला था सर ऐसा सब कुछ होगा तो किसकी वजह से होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता किस किस वजह से है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, इसकी वजह से होता है, तो मतलब ये होता किस वजह से है। कॉल आपकी खत्म हो जाए बेटा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता किस वजह से, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के हमने रीजन पढ़े थे, मेनली एक रीजन है ग्रीन हाउस गैसेस का निकलना, ग्रीन हाउस गैसेस का निकलना। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन कार्बन, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जिससे हमने हमने पढ़ा था सर। बाकी सारी गैसेस हैं, बस सी एफ सी एस जो क्या है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ये मैन मेड है, जो कहाँ से निकलती है, फ्रीज से और फोम से। मैथेन कहाँ से निकलती है, राइस फील्ड से, लाइव स्टॉक से, कोल माइनिंग करने से। नाइट्रस ऑक्साइड आपकी कहाँ से निकलती है, ओशन से, सॉइल से, फर्टिलाइजर से। फिर हमने पढ़ा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने प्रेडिक्ट किया, ने एस्टिमेट निकाला कि 72% जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो केवल इन तीन गैसेस की वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कितनी 72%, तो एक एमसीक्यू बन सकता है कितने परसेंट और किस बॉडी ने, कितने परसेंट और किसने ये बोला है, तो आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं नेशनल ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग अभी हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग होती किन की वजह से, इंसानों की वजह से, नेचर की वजह से, दोनों की वजह से। तो हमने देखा दोनों की वजह से, दोनों की ही वजह से। फिर हम इसके अंदर ओजन के अंदर, तो हमने पढ़ा ओजन, ओजन क्या होता है सर, ओजन के बारे में आपके बुक में दो टॉपिक है, ओजन गैस और ओजन लेयर। तो ओजोन गैस क्या होती है, ओजोन गैस वो गैस होती है जो हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम व्हाट, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन, जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। और जिस जिस लेयर में जिस जिस जगह पर, जिस जिस एरिया पर ये गैस होती है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, लेयर। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। और जो ओजोन लेयर आज के टाइम पे क्या होती आ रही, कम होती आ रही, कम होती आ रही, छोटी होती आ रही, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीट होना, डिप्लीट होती आ रही है सर। डिप्लीट होने के 5 से 4 दिन, आप वॉइस सुनो, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, उसमें क्लियर वॉइस आएगी, आप सुनो के बाद। तो ओजोन लेयर डिप्लीट होने के 4 रीजन थे, पहला ग्रीन हाउस गैसेस का निकल जाना, दूसरा अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन की हार्मफुल गैसेस हैं, दूसरा कुछ केमिकल्स जो हम इंसान रिलीज करते हैं केमिकल इन दी फॉर्म ऑफ फायर बग्स और डस्ट वगैरह, दूसरा बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फ्यूल, उनको जलाकर। तो हमने बोला सर ये सारे डिप्लीट हो रहे हैं, तो उसको इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा सर, इसका इफेक्ट पड़ेगा लाइफ पर, हम इंसानों पर, जानवरों पर और मेरी लाइफ कुछ उन पर इफेक्ट पड़ेगा सर। कैसे इफेक्ट पड़ेगा, कुछ इन्फेक्शस डिजीज हो सकती है लाइक स्किन कैंसर, प्लैंकटन जो मेरी लाइफ खाती हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं सर, इतना सब नुकसान हो सकता है। तो उसको रोकेंगे कैसे, इसको रोकेंगे कैसे, तो उसको प्रिवेंट करने के 5 तरीके हमने पढ़े थे डब्ल्यू के अंदर, 5 तरीके हमने पढ़े थे डब्ल्यू के अंदर। हमने 2 मिनट देख लिया, हमें समझ आ रही है, ठीक है। तो 5 तरीके थे डब्ल्यू हमने पढ़े थे, जिसको हमें डेवलप कर रहा था, डेवलप क्या करना था, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स थे, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स थे, ये मतलब हमें अवॉइड करना था, अवॉइड क्या करना था, हमें पेस्टिसाइड को यूज़ करना था, ये मतलब क्या करना था, बैन करना था सर। बैन क्यों करना था, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारा क्या होता था, हो रहा था ग्लोबल वार्मिंग, हो रहा था नाइट्रस ऑक्साइड हो रहा था, बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग होता था, तो हमें इस गैस को क्या करना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा। फिर हमें लिमिट लगानी पड़ेगी
ऑन यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, हम यूज करना पड़ेगा हमें क्या, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो आपको ये फर्स्ट वर्ड याद रखनी है, लॉन्ग फेस में बेसिकली अब आपसे पूछेंगे नहीं, और शॉर्ट फॉर्म में अगर आपसे पूछ लिया जरूर तो 5 W याद रखना। W किसके लिए है, ओजोन लेयर के लिए, ओजोन लेयर को डिप्लीट करने से रोकने के लिए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सर ग्लोबल वार्मिंग की असर होता क्या था, सर ग्लोबल वार्मिंग गर्म होती है, हमारी कॉफ़ी भी गर्म होती है, ग्लोबल वार्मिंग गर्म गर्मी की असर होती है, हमारी कॉफ़ी भी गर्म होती है। तो कॉफ़ी से हमने ट्रिक बनाई, कॉफ़ी से हमने क्या बनाई, एक अपनी ट्रिक बने, इस चैलेंज को थोड़ा डिफरेंट रखा। तो सी वाला कोरल्स, कोरल्स मतलब क्या, वो खाना नहीं, कोरल्स मतलब क्या, ये वो प्लांट्स होते हैं जिसकी वास्ते मेरिन लाइफ को, और जो एल्गी होती है इसके अंदर जो काई वगैरह होते हैं उनको कलर मिलता है, उनको फूड मिलता है, तो वो चीज़ ख़त्म होती है, वो चीज़ होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, मतलब क्या, वो चीज़ कम होती है, ये ख़त्म होती जा रही है। जो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट सी मतलब क्या, सी मतलब यहाँ पे कोरल्स के, सी मतलब यहाँ पे क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज होता है, चेंज मतलब क्या, अच्छा होता जा रहा है, बुरा होता जा रहा है, बुरा होता जा रहा है। जैसा ओसिस, ओसिस मतलब क्या, ओसिस के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो गर्मी की वजह से, गर्मी की वजह से पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है तो प्लांट्स खराब हो रहे हैं, प्लांट्स खराब हो रहे हैं तो ओसिन के अंदर जो लाइफ रहती है उनको खाना मिल नहीं पा रहा है, और खाना मिल नहीं पा रहा है तो उन लाइफ, उन मेरी लाइफ की जान कैसी है, खतरे में है। थर्ड हमने पढ़ा फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स। तो हमने देखा जिस वजह से हमारा एवरेज टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो हमारे जो करेंट इस टाइम पे जितने एनिमल्स और प्लांट्स हैं उसका ऑलमोस्ट 30%, कुछ लोगों ने, साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया कि 30% एक्सटिंक्ट हो जाएंगे बाय 2050, यानी आने वाले 30 ईयर्स में वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जिस तरह से आपको डायनासोर आज के जमाने में देखने को नहीं मिलते, आपके डॉग एनिमल्स वगैरह भी देखने को नहीं मिलेंगे। तीसरा चौथा पॉइंट हमने पढ़ा इको सिस्टम, इससे हमारा को डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, इंसानों के बीच में एनवायरमेंट के बीच में कोई रिलेशन बचा ही नहीं है, एनवायरमेंट थोड़ा चेंज होता है इंसान तुरंत बीमार हो जाता है, एनवायरमेंट थोड़ा चेंज होता है इंसान तुरंत बीमार हो जाता है, तो इको सिस्टम खराब होता जा रहा है, इको सिस्टम खराब होता जा रहा है, रिलेशनशिप जो है एनवायरमेंट के बीच में और लाइफ के बीच में वो बिल्कुल ही खराब होता जा रहा है, थोड़ा सा एनवायरमेंट चेंज होता है इंसान तुरंत बीमार पड़ जाता है, तो इको सिस्टम क्या होता जा रहा है, खराब खराब होता जा रहा है। फिर हमने कुछ एफर्ट पड़े थे आपकी बुक में से, जैसे कि हमें अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, जैसे टाइडल एनर्जी, वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ना, तो हमें वो यूज़ करनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कम करना चाहिए, तो वो कुछ जनरल मेथड थे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। फिर हमने कुछ पढ़े इंटरनेशनल एफर्ट, इंटरनेशनल एफर्ट जिसके अंदर हमने चार एग्रीमेंट पढ़े, चार एफर्ट पढ़े, एक UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसने एग्रीमेंट किया सभी कंट्रीज के बीच में कि वो इंडस्ट्रियल टेम्परेचर कम से कम, जो इंडस्ट्री के टेम्परेचर बढ़ता है वो कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेंगे, और इन टर्म्स ऑफ अगर फाइनेट की बात कर रहे हैं तो 3.6 डिग्री फाइनेट कम रखेंगे। फिर एक होता है रियो आर्स समिट 1992 में, जिसमें ये 152 कंट्रीज ने एग्री किया कि वो पॉल्यूशन को क्या करेंगे, कम करेंगे। सर कौन सा पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। फिर थर्ड आपका है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल जिसके अंदर उन्होंने एग्री किया कि वो 5.4% तक ग्रीन हाउस गैसेज को कम करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कम करेंगे। फिर आया ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी 1991 में आई, जिसके अंदर चार चीज़ें सोची, दो चीज़ें थी, कुछ चीज़ों को हमें रिड्यूस करना था और कुछ चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करना था। सर रिड्यूस को किस चीज़ को करना था, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना था, ओजोन लेयर को कम होने से रोकना था, दूसरा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हमें रोकना था, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ठीक है समझ, इंटरनेशनल वाटर बॉडीज को हमें क्या करना था, प्रोटेक्ट करना। हाँ तो इनके ऊपर आपके एमसीक्यू बन सकता है, रिविजन मैंने बनाई दिया फास्ट मोड में, आपको मैं ये वीडियो सेंड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है।